क्या जा रहा लगी तो नहीं आपको आपको मिल गया आपको बस वो दिख रहा होगा पेन बट मेरे मुंह पे स्माइल है ये मेहनत किसके लिए कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए सिर्फ सारे भाइयों को मेरी तरफ से हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सारे भाइयों को जय श्री राम। सो गाइज देखो कारण तो हो ही चुका है यार अब क्या कर सकते हैं बस भगवान की दुआ थी भगवान का आशीर्वाद था कि भाई हमें कुछ नहीं हुआ और गाड़ी में भी ज़्यादा डैमेज नहीं आया। तो अभी आपको दिखाता हूँ भाई गाड़ी कैसी है गाड़ी में क्या क्या हुआ था। पहले आपको गाड़ी का लुक दिखा देता हूँ। देखो गाइज ये गाड़ी तो मैंने सही करवा दी है क्या क्या हुआ था वो सारा आपको दिखाऊंगा डिटेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई मुझे कितना नुकसान आया सारा इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल में बता दूंगा मैं ठीक है। देखो गाड़ी कहाँ से गिरी थी गाड़ी यहाँ से गिरी थी इसका पूरा हैंडल टूट गया था ठीक है हैंडल पूरा मुड़ गया था यहाँ से आपने देखा होगा वीडियो में प्रीवियस वीडियो जिसने नहीं देखे देख लेना भाई एक्सीडेंट जो मेरा हुआ था। और गाइस देखो यार मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई मेरी गलती नहीं थी साफ मेरी गलती थी मेरी ये गलती थी। देखो मैंने ड्रैग रेस उससे पहले भी करी मैंने थोड़ा सा शायद हाई ड्राइव कर दिया था इस यही रीज़न था कि जिसकी वजह से ना क्या बोलते हैं मेरी गाड़ी उछल गई। मैंने एकदम से फुल क्लच छोड़ दिया मुझे हाफ क्लच और फिर दो बारी क्लच छोड़ना चाहिए था मतलब थोड़ा सा क्लच छोड़ गया फिर फुल छोड़ना चाहिए था मैंने डायरेक्ट छोड़ दिया जो सुपर बाइक में छोड़ते हैं। और भाई हो गया काम अब दिखा देता हूँ आपको कहाँ कहाँ पर लगी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारी क्लच वाली वायर है ना सॉरी ब्रेक वाली वायर है ये ठीक है तो इसमें ये टेपिंग करवाई है इसमें मैंने ठीक है। गाड़ी यहाँ से गिरी थी हैंडल पूरा गया था टैंक में कुछ नहीं हुआ था ठीक है टैंक में कुछ नहीं हुआ टैंक में हल्का सा यहाँ पे शायद डेंट आया होगा हल्का सा शायद जहाँ तक मुझे लगता है बहुत ही हल्का सा वो भी पता नहीं चल रहा था यहाँ पे स्क्रैचेज आए थे ठीक है। और कहाँ पे लगी थी और थोड़ी सी इसकी जो मेरी टेपिंग है मेरा टेपिंग यहाँ पे मैंने पहले से इसमें टेपिंग लेमिनेशन करवा रखी थी जिसे आप बोलते हो ना लेमिनेशन करवा रखी थी चीज़ें दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या लगी थी। तो ये वाली लेमिनेशन तो पहले से ही है अगर आपको पता होगा तो लेमिनेशन तो मैंने करवा रखी थी। और ये गाड़ी गिरी थी ना जब तो भाई ये मेरा मुड़ गया था अगर आपने देखा होगा वीडियो में तो मेरा जो ये है ना भाई देखो यार इन बाइकों को लेके ना यही नुकसान होता है जो ये बाइकें रहती है। देखो ये मेरा ये ब्रेक पैड मुड़ गया था ठीक है। तो जो ये नई बाइक आती है ना भाई ये 200 सीसी की 300 सीसी 400 सीसी मैं 600 सीसी तक की 1000 सीसी तक की ना गाड़ी मतलब थोड़े ना इनके जो पार्ट्स होते हैं जैसे हैंडल वगैरह ये काफ़ी मतलब इसका गाड़ी ये मैं बताता हूँ आपको एन एस से ज़्यादा स्टेबल है NS 200 से ज़्यादा स्टेबल है हमारी MT 15 version 3 version 2 version 1 मतलब जहाँ तक मैंने देखा है क्योंकि 100 में भी भाई हिलता नहीं है बबल नहीं करता हैंडल बिल्कुल सीधी चलती है बिल्कुल स्टेबल चलती है। बट यार ये एक बारी में गिरी और इतनी हाइट भी नहीं थी वो तो चलो गाड़ी बच गई ठीक है। तो अब दिखाता हूँ कभी मेरे क्या क्या प्रोडक्ट लगे। और गाइज हाँ अगर आप लीवर गार्ड लगाने की सोच रहे हो भाई लीवर गार्ड लगाने की सोच रहे हो मत लगाना भाई क्यों दिखाता हूँ आपको मेरा क्या क्या प्रोडक्ट लगा और मेरा कितने का खर्चा आ गया सारा बताता हूँ आपको ठीक है। प्रोडक्ट तो मैं लेके आ गया देखो जो मैंने हैंडल लगवाया था ना वो मैं ओरिजिनल पार्ट लेके आया था मैंने वीडियो नहीं बनाई थी यार मेरा ना मन नहीं था यार गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद ना मेरा मन नहीं था कि वीडियोज़ बनाऊँ तो मैं ओरिजिनल हैंडल लेके आया था ठीक है। और ये वाला हैंडल ना ये जो जिन सचिन भाई की मैंने गाड़ी रोकी थी उन्हीं के पास पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा इसको यूज़ करा लेकिन ये मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था फिर मैं नया हैंडल लाया था। लेकिन जो मेरा ओरिजिनल हैंडल है ना भाई उसके हाल देख लो आप ये पूरा गिर गया था पूरा मुड़ गया है ठीक है। तो इसको सीधा सुधा भी करा था तो ये देखो इसके हाल तो ये हो रखे हैं ठीक है मुड़ा पड़ा है। उसके बाद बात करते हैं लीवर मेरा लीवर भी टूट गया था भाई लीवर भी टूट गया था और ये भी मेरा ये मेरा ख़राब हो गया था इसको भी नया लगाया था ठीक है। लीवर की बात करें तो ये ब्रेक लीवर था गिरी थी ना यहाँ से तो ये पूरा का पूरा ख़राब हो गया था ये पूरा का पूरा यहाँ पे कांड हो गया इसका तो ये गिरी तो ये पूरा टूट गया। तो चलो ये तो खैर सस्ता या चीप ये तो सस्ता आया था 100-150 रुपये का आया था ये ना ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लीवर गार्ड की भाई भाई देखो लीवर गार्ड ना एक नंबर के बेकार होते हैं ये यहाँ पे लगा हुआ था ठीक है। इसने मेरे ना लीवर का प्रोडक्ट है ना कुछ भाई ये 800 रुपये के हैं ये लीवर गार्ड्स और भाई देखो कार्बन फाइबर फिनिश और एल्युमिनियम के हैं भाई अच्छी क्वालिटी के हैं ठीक है। तो हल्के में नहीं मतलब एल्युमिनियम है क्या हाँ एल्युमिनियम ही है अच्छी क्वालिटी के हैं बट फिर भी ये मेरे लीवर को नहीं बचा पाए। ये नाम के होते हैं लीवर गार्ड यार ये मैंने लगा के मैंने जानबूझ के लगा के देखा था कि भाई कैसा रहेगा इसका वो तो बट यही है गाइस। और बात करें गाड़ी में ऐसा कुछ ज़्यादा डिफेक्ट तो आया नहीं है जो मेन था हैंडल गया था लीवर गार्ड गया था हमारा ये वाला साइड का ये गया था एक्सीलेटर का क्या बोलते हैं इसे हमारा हैंड क्लब जो भी बोलते हैं इसको मुझे नाम नहीं पता इसका कमेंट में बता देना। तो यही था भाई और खर्चा कितना है देखो मेरे को जहाँ तक पता है मैं जितना आपको बता सकता हूँ खर्चे की बात करें ना तो देखो मैं आपको बताता हूँ ओरिजिनल हैंडल लेके आया था मैं इसका ठीक है वो मेरे को पड़ा था यहाँ ये मुझे पड़ा था 500 के अराउंड का पड़ा था ये। उसके बाद बात करते हैं हमारे ये जो मैं लेके आया था ये मुझे 80 रुपीज़ या 40 रुपीज़ के अराउंड दो पड़े थे मेरे को 100 रुपये के मैं दो लेके आया था ठीक है। मैंने सोचा था कि अगर एक चेंज करूँगा दूसरा भी चेंज करूँगा लेकिन दूसरा मेरा पुराना वाला यूज़ हो गया था। वहीं बात करें लीवर गार्ड की लीवर गार्ड मेरा गाइस लगाया अराउंड 100 रुपये का ठीक है और लगवाई वगैरह भी दी मैंने ठीक है
उसके बाद बात करते हैं टेपिंग भाई। टेपिंग हुई थी 700 अराउंड एक रुपीज़ की, ठीक है। क्या क्या टेपिंग हुई थी बताता हूँ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने हल्की सी मीटर पे करा दी थी, ये मैटर एयरटेल लगवाया था, ठीक है। और ये देखो ये करवाया था मैंने, यहाँ से ये पोर्शन टेपिंग करवाया था, तो इसमें लग गया था पैसा। और जो हमारा ब्रेक है, ठीक है, ब्रेक पैड है, इसको सीधा करवाया था। तो मतलब अराउंड आप बोल सकते हो कि मेरा 2-3 हज़ार के अराउंड का खर्चा हो गया था। और यार ये होता नहीं अगर मैं गलती नहीं करता, बट गाइज यही होता है कि हम ना मतलब अपने ठोकरों से ही मतलब गिर के संभलते हैं, तो अपनी गलतियों से ही सीखते हैं जिसे बोलते हैं ना। तो वही है मेरे लिए यार, मेरे लिए भाई एक प्रकार से ये एक सीख हो गई कि भाई अगली बारी से अब तो मुझे पता है कि भाई ट्रैक। और सही बताऊँ तो मैं कंटेंट के लिए गया था भाई, देख लो आप, मैं आप लोगों के लिए कंटेंट के लिए गया था ट्रैक के लिए। तो फिर मैंने बोला चलो कर लेते हैं ट्रैक, बट किस्मत नहीं थी, भगवान नहीं चाहते कि हमें रेस वगैरह करूँ। अब मैंने क्या गलती करी ना गाइस, ये दिखाता हूँ आपको, जो गलती आप मत करना भाई, अगर आप करोगे आपका भी एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये देखो मैं गाड़ी को स्टार्ट करी मैंने, और मेरा आरपीएम ना, जैसे कि देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये मेरा आरपीएम था। तो मैंने क्या करा कि अपना आरपीएम ना पहले गियर पे ही, देखो 7000 में गाड़ी की विली उठती है, और मैं 11000 तक ले गया था, और मैंने एकदम से छोड़ दिया था क्लच। मैंने गलती क्या करी थी, ये देखो एकदम से छोड़ दिया था मैंने। तो ये तो मैंने फिर भी सही छोड़ा, तो अगर आप गलती करोगे तो आपका भी यही कांड होगा। सो गाइस यही था मतलब ना, आप लोगों के साथ शेयर करनी थी ये वीडियो, ताकि आप लोग भाई मेरी तरह गलती मत करो, आपका नुकसान ना हो यार मेरी जान। तो बस वीडियो में इतना था दिखाना था, जो मुझे आपको चीज़ें वो मैंने दिखा दी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि भी ना, उत्तराखंड को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जो हिडन प्लेस और बहुत अंडररेटेड प्लेस है ना, लोगों को पता नहीं जिसके बारे में, वो भी एक्सप्लोर करेंगे। तो चैनल पे स्टे ट्यून करना, बहुत मस्त मस्त वीडियो आने वाली है भाई। नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगी ना, खतरनाक खतरनाक अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है उत्तराखंड को पूरा एक्सप्लोर। वीडियो में वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, आप लोग के लिए ऐसे मस्त वाला कॉन्टेंट आने वाला है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।